हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। घर अगर साफ होता है तो स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और काम करने में बहुत मन लगता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपना 10 मिनट्स क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो जब भी मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, मैं अपना फेवरेट म्यूज़िक प्ले कर देती हूँ और सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अपने बेडरूम से। हाथों में मैंने पहन लिया है माइक्रोफाइबर ग्लव और मुझे करनी है ये साइड लाइट्स की क्लीनिंग। तो ये ग्लास की बनी हुई है तो इनकी क्लीनिंग जेंटली करनी होती है। तो इस तरह के जो डेलिकेट काम है ये मैं अपनी हाउस हेल्प से नहीं करवाती हूँ, ये मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। आफ्टर एवरी 5-6 डेज मैं इन ग्लास लाइट्स को सेम प्रोसेस फॉलो करके क्लीन कर लेती हूँ। ये मेरे वीकली क्लीनिंग रूटीन में आता है। ग्लास की बनी हुई जितनी भी आइटम्स हमारे घर में हैं उन सभी को मैं इस तरह के माइक्रोफाइबर क्लोथ से ही क्लीन करना पसंद करती हूँ। अब बारी है बेड के हेडबोर्ड की डस्टिंग की, बिकॉज ऊपर से जो डस्ट है वो नीचे ही गिरी होगी, तो इसको भी क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पे मैं कॉलीन और एक और माइक्रोफाइबर क्लोथ की हेल्प से। तो बहुत ही स्मूथली यहाँ पर मेरी बेड की डस्टिंग भी कम्प्लीट हो गई है। तो ये है मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग टूल जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बेड के ऑटोमन को क्लियर करने में। बच्चे कई बार खाना खाते हैं, कभी नमकीन खाते हैं तो वो इन कॉर्नर्स में फंस जाता है। सो इस स्मार्ट ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैं अपने बेड के ऑटोमन को बहुत ही आराम से क्लियर कर लेती हूँ। जितनी भी डस्ट या खाने की चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा हो गई हैं वो सब इस ब्रश से बहुत ही स्मूथली निकल आती हैं। ये ब्रश मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, बट ये ऑनलाइन अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर से इसे चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है ये। बेड की क्लीनिंग हो चुकी है और यहाँ पे मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। आज है फ्राइडे, वीक में दो बार मैं अपने बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ। बेडरूम में सुबह सुबह के टाइम इस तरह से सामान हमेशा बिखरा हुआ ही मिलता है। रात को पानी का ग्लास पिया था, सुबह बच्चों को रेडी करके जल्दी जल्दी स्कूल भेजा, कहीं पे कॉम ऐसे ही रखी रह जाती है, कहीं पे बेबी क्रीम वैसे ही रह जाती है। तो इन सब बिखरी हुई चीज़ों को वापस इनकी जगह पे रखना है और ये काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता है जब मैं इन चीज़ों को वापस इनकी जगह पर दोबारा से सेट कर देती हूँ। आज मुझे करने हैं अपने शूज़ क्लीन। तो यहाँ पे इस तरह के जो काम होते हैं जिनमें टाइम लगता है या आपको कुछ भिगो के रखना है, तो सर्फ वाला पानी लिया है और उसमें मैंने अपने शूज़ के पेयर्स को डाल के रख दिया है। आफ्टर 30-40 मिनट्स मैं इनको इस ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दूँगी। बुक्स कलेक्शन आई एम श्योर आप सभी के घर में होगा, बट क्या आप अपनी बुक्स की केयर कर पाते हैं? रेगुलरली डस्टिंग ना करने से बुक्स के पेजेस धीरे धीरे करके येलो होना शुरू हो जाते हैं, सो इसीलिए बुक्स की डस्टिंग करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुक्स के साथ साथ प्रिंटर की भी मैंने रेगुलर डस्टिंग कर दी है और बाद में इसे इस तरह से कवर करके रख दिया है। तो जितने भी आपके डिवाइसेस रहते हैं जो ओपन में है, कोशिश कीजिए उन्हें कवर करके रखें। इसी के साथ चलते हैं लिविंग रूम की क्लीनिंग करने के लिए। रात में अगर आप लोगों ने लिविंग रूम में टीवी देखा है, बच्चों के साथ कुछ गेम्स खेले हैं, तो सुबह कुछ इस तरह का ही सीन मिलता है।
यूजुअली तो सोने से पहले मैं लिविंग रूम को काफ़ी ज़्यादा सेट कर लेती हूँ, बट सुबह जब शौर्य ने स्कूल जाना होता है तो उस टाइम पे उसको कुछ टॉयज से खेलना होता है, जिस वजह से ये टॉयज़ यहाँ वहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं इन सभी टॉयज़ को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, इनके स्पेसिफिक प्लेसेस पे जाके वापस सेट कर देती हूँ। अपने घर के छोटे बड़े काम करने में मैं कभी भी पूरा कम्प्लीटली किसी और पे डिपेंड नहीं करती हूँ। जैसे कि मेरी हाउस हेल्प जब आएगी तो वो अपने आप ये काम कर देगी, मैं डस्टिंग क्यों करूँ या मैं अपने टेबल की क्लीनिंग क्यों करूँ, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप भी इस तरह की सोच बिल्कुल मत रखिए। ये आपका घर है, इसे आपको ही मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज करके रखना है और साफ़ सुथरा भी रखना है। जितना कम आप किसी पे डिपेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके मन में हमेशा ये रहेगा कि ये मेरा घर है, मुझे इसे सुंदर बना के रखना है। हमें अपना घर किसी को दिखाने के लिए साफ़ नहीं करना है कि कोई मेहमान आएगा तो उसके लिए साफ़ करेंगे। हमें अपना घर खुद के लिए साफ़ करके रखना चाहिए। जैसे हम खुद के लिए अच्छे से रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, ठीक वैसे ही हमारा घर भी हमारे लिए साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। घर की क्लीनिंग के साथ साथ आप पैरेलल वर्किंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आज बनाने वाली हूँ पनीर, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दूध को रख दिया है बॉयल होने के लिए, और इसके साथ ही मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो जब तक दूध बॉयल होता है तब तक मैं इस रूम को क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए, बच्चों के रूम में इस तरह से कुछ ना कुछ सामान तो आपको बेड पर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, बच्चों ने खेला है, बिखेरा है, इतना ही बहुत है कि उन्होंने लाके बेड पे रख दिया है। इससे आगे का काम अब आपको करना है। आपको जो लगता है कि यहाँ पे जो चीज़ें अपनी जगह पे नहीं है उन्हें उनकी जगह पे रख दीजिए। घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस मुश्किल है तो अपना रूटीन बनाना और उसको प्रॉपरली फॉलो करना। एक दिन जोश जोश में कर लेते हैं, दूसरे दिन भी कर लेते हैं, और फिर तीसरे दिन लगता है छोड़ो, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, बस उसके बाद आपका सारा का सारा रूटीन ख़राब हो जाता है और घर ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। तो एक साफ़ सुथरे घर को मेंटेन करने के लिए आपको एक प्रॉपर क्लीनिंग रूटीन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस डेडिकेटेड कॉर्नर में रहती हैं मेरी डॉटर की रीडिंग बुक्स, तो उसको बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो बुक्स स्कूल जाने से पहले उसने पढ़ी थी वो सब मैं यहाँ पे आके दोबारा से अरेंज कर देती हूँ। तो 3 से 4 दिन में आके मुझे ये बुक सेक्शन अच्छे से एक बार सेट करना पड़ता है। यहाँ वहाँ जो टॉयज़ बिखरे हुए हैं इन सबको भी मैं साथ साथ सेट करती जाऊँगी, इनकी डेडिकेटेड प्लेसेस पे वापस इन्हें लगाती जाऊँगी। इस कैबिनेट पे थोड़ी सी डस्ट इकट्ठा हो गई थी तो साथ साथ मैंने डस्टिंग भी कर दी और वापस से इन सभी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लगा दिया। इसी तरीके को फॉलो करते हुए अगर आपको लगता है किसी कॉर्नर में डस्टिंग नहीं हुई है या फिर वहाँ पे डस्टिंग करना ज़रूरी है तो वहीं पे डस्टिंग करके उस काम को वहीं पे फिनिश कर दीजिए, कल या परसों पे बिल्कुल मत डालिए। बुक सेक्शन को अरेंज करने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी डॉटर का हैंडबैग्स वाला सेक्शन भी अच्छे से अरेंज कर दिया है। इसी तरीके से मैं अपने घर के हर कमरे को 10 मिनट देती हूँ और अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, जो वर्थ इट है। मुझे इससे बहुत सुकून मिलता है, पूरे दिन के लिए घर सेटल रहता है। अब ये तभी बिखरेगा जब बच्चे आएंगे और इस पे हमला करेंगे। यहाँ पे मैंने शूज़ को भी धो के अच्छे से सुखा दिया है। तो इस तरह के छोटे मोटे काम आप साइड बाय साइड भी कर सकते हैं अपने घर के बाकी काम करते हुए। और यहाँ पे 10 मिनट में दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। एक लेमन लिया है मैंने, इसे स्क्वीज़ करके अच्छे से ऐड कर दूंगी और दूध को अभी गर्म ही रखूंगी। जब दूध धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसमें हमारा पनीर अलग से सेग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा आज पूरे दिन का रूटीन वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।
अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं डे टू डे अपनी लाइव स्टोरीज उस पर पोस्ट करती रहती हूँ। इंस्टा हैंडल मैं यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी, तो आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। अंटिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर and subscribe to my channel. Bye. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts bound. In the quiet we